भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका कैसे मचाना है और एक स्टारडम को किस तरह से फ्लॉन्ट करना है, ये कोई पवन सिंह से सीखे। वैसे आपको बता दें, पवन सिंह के इस गाने यानी कि लुट गए गाने की चर्चा हर जगह हो रही है। फैंस बुरी तरह से इस गाने को पागलों की तरह सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे अच्छे कमेंट पवन सिंह के लिए आ रहे हैं और जो जो ये गाना सुन रहा है सभी ये कह रहे हैं कि पवन के अलावा इस सॉन्ग को और कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। जुबीन नौटियाल की आवाज़ एक अलग आवाज़ है और पवन सिंह की आवाज़ एक अलग आवाज़ है। साथ ही साथ बहुत सारे फैंस तो कमेंट में ये कह रहे हैं कि वो गाना सुन रहे हैं और रो रहे हैं, गाना सुन रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि ये गाना काफ़ी टची है, काफ़ी इमोशनल भरा है। और तो और गाने में पवन सिंह की जो आवाज़ है वो पूरी तरह से इस गाने को डिफाइन करती है। वैसे गाना रिकॉर्ड तोड़ व्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही गाना 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। गाने के लिए कोई प्रमोशन नहीं किया गया है। वैसे जिस तरह से टी सीरीज़ यूट्यूब का इतना बड़ा चैनल है, उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है कि वो इस गाने की प्रमोशन करे। उसका गाना रिलीज़ करना ही बहुत बड़ी बात है। वैसे बहुत सारे पवन के जो ज़्यादा वाले शुभचिंतक हैं वो हैरान हैं, ये सोच रहे हैं कि ये धमाका कैसे हो गया, क्योंकि सभी अपने फिराक में बैठे थे और पवन सिंह ने कमाल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप पवन सिंह के इस गाने के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।